वेलकम स्टूडेंट, अभी हम काउंट ऑन सिक्स सेकंड एडिशन कर रहे हैं, उसका चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8C। इनको सिंपलीफाई करना है, लेकिन अलजेब्रे में हमें इन सवालों में बॉडमॉस रूल का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट 3x प्लस राउंड ब्रैकेट 4x माइनस 2x। तो सबसे पहले हम बार को करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट और आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, लेकिन एक तब हम क्वेश्चन लिख लें। फाइव एक्स माइनस 3x प्लस, अब इस ब्रैकेट को हम करेंगे राउंड ब्रैकेट को, 4 माइनस 2 2x। तो इसके साथ ही जब हमने ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व कर लिया, तो साथ ही ब्रैकेट भी खत्म हो जाती है। 5x माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 3 एंड 2 5। तो 5x 1 प्लस 1 माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद आंसर इसका आ गया 0। अब दूसरी हमारे पास 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस राउंड ब्रैकेट 3a प्लस 5a और बोथ ब्रैकेट क्लोज। यहां भी हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 एंड 5 माइनस 8a, इस तरह से ये सॉल्व होगी ब्रैकेट। अब इन दोनों को करना है माइनस 8 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 8 में से 4 निकालेंगे तो 4a आ जाएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा क्योंकि ये माइनस वाला 8 बड़ी रकम है। तो 8a माइनस माइनस प्लस 4a, इस तरह 8 एंड 4 12a आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम 3 एंड 4 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। इस सबसे पहले हम 3 करते हैं, a प्लस 3b माइनस ब्रैकेट माइनस 3a माइनस कर्ली ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस a प्लस 2b और यहां पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट होती है दो जगहों पे है, इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 3b बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस माइनस प्लस 3a आगे वैसे ही रहेगा, a माइनस 2b बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस माइनस माइनस 2b। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि जो सॉल्व हो सकते हैं लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लाइक टर्म्स हैं 3 एंड 1 4a 3 माइनस 1 प्लस 2b माइनस, अब इसमें भी हो जाएंगे, ये सबसे पहले कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस 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 4 2 एंड 2 4b। इसके बाद 4a प्लस 2b माइनस, बाहर माइनस है ब्रैकेट को खत्म करना, बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस एंड माइनस प्लस 4b 4a प्लस 4 एंड 2 6b 4a प्लस 6b। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में बार का साइन आया हुआ है, तो पहले बार को हमने सॉल्व करना है, जिस तरह ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं कि यहां पे बाहर माइनस था और ये a का साइन चेंज कर दिया और 2b का भी साइन चेंज कर दिया, और जब बार आ जाता है तो बार के बाहर जो साइन होता है उसके मुताबिक अंदर वाला साइन
चेंज हो जाता है क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन इसका भी माइनस हो जाएगा। ए माइनस टू बी माइनस ए प्लस बी, थ्री इंटू ए माइनस टू बी एंड बी टू बी माइनस ए, ब्रैकेट अभी रहेगी ए। अब ये जो माइनस टू है इसको हम आगे वाले दोनों से ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस टू टू जा फोर बी माइनस माइनस प्लस टू ए। अब राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई है, कर्ली ब्रैकेट रह गई है, ए टू ए एंड ए थ्री ए माइनस फोर बी, थ्री थ्री जा नाइन ए प्लस माइनस माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व बी, ये हमारा आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स करते हैं। फाइव ए माइनस स्क्वायर ब्रैकेट थ्री बी माइनस कर्ली ब्रैकेट फोर ए माइनस राउंड ब्रैकेट फाइव बी माइनस सिक्स ए माइनस सेवन बी, ऑल ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसके सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर बार के बाहर साइन माइनस का तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, माइनस सिक्स ए तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा सेवन बी। फाइव ए माइनस थ्री बी फोर ए, अब इसमें ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ये लाइक टर्म्स हैं, फाइव बी एंड सेवन बी ट्वेल्व बी माइनस सिक्स ए। थ्री बी माइनस फोर ए, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और इसलिए हम पूरी की पूरी ब्रैकेट को सॉल्व नहीं होते क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट बाहर वाले माइनस से करेंगे, माइनस ट्वेल्व बी माइनस माइनस प्लस सिक्स ए। इस तरह से राउंड ब्रैकेट खत्म हुई। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन किस किस को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, ये इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। 5a माइनस 3b माइनस 4 एंड 6 10a माइनस 12b। थ्री बी, अब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होते इसलिए ब्रैकेट को खत्म करेंगे, माइनस का साइन अंदर साइन चेंज होंगे, 10a माइनस माइनस प्लस 12b। 5a और 12b एंड 3b 15b और इसके साथ ही हम ब्रैकेट भी खत्म कर देंगे और माइनस माइनस प्लस 10a। 5a एंड 10a 15a एंड 15b दोनों में से 15 कॉमन आ गया तो a माइनस बी इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 7a माइनस 4b माइनस 5a माइनस 3 ब्रैकेट माइनस b माइनस 2 a माइनस b। अब सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, b माइनस क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए 2n से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b। 7a माइनस 4b 5a माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट में 2b एंड b सॉल्व हो सकते हैं,
3b माइनस 2a, अब नजीद कोई नहीं हो सकता इसलिए माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5a, 3 3 जा 9, माइनस 9b माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6a। अब इसमें कौन कौन से होते हैं सॉल्व, जैसे यहां पे b हुआ था, यहां पे a होगा क्योंकि लाइक टर्म है, 5 एंड 6, 11a माइनस 9b। अब हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 7a माइनस 4b और माइनस 11a माइनस माइनस प्लस 9b। 11 में से ये दोनों आपस में होंगे, इनको इकट्ठा हम कर लेते हैं, 7a माइनस 11a माइनस 4b प्लस 9b। 11 में से 7 माइनस 4a आ गया और 9 में से 4, ये दोनों b के हैं, 9 में से 4 प्लस 5b आ गया। तो हम अरेंज करते हुए 5b को पहले लिखेंगे, 4a को बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थे। इसके बाद हम 7 एंड 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम 7 एंड 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्व इसे हम करते हैं, b माइनस c प्लस a, b माइनस c माइनस a माइनस a माइनस b, और यहां पे बार है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, c माइनस a माइनस a प्लस b b माइनस c प्लस a, a एंड माइनस a माइनस a माइनस 2a प्लस b हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ब्रैकेट को हम खत्म करते हैं। खत्म कैसे करेंगे, बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, c के साथ माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, फिर आगे माइनस हो गया b, अब ये राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई है। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, अब बाहर a है। अब हम कर्ली ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं क्योंकि अंदर मजीद लाइक टर्म्स नहीं है जो कि आपस में सॉल्व हो, इसलिए बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस सी, माइनस प्लस माइनस 2a और स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी हमारे पास। इसमें ये c कैंसिल होता है और b 2a में से a को हम माइनस करेंगे तो माइनस a आ जाएगा, a माइनस b माइनस माइनस प्लस a, तो हमारे पास आंसर आएगा 2a माइनस b। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं, टेन ए माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 कर्ली ब्रैकेट 5a माइनस 3 इनटू राउंड ब्रैकेट है a माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो जाती है, माइनस 3 4a माइनस 3a प्लस 1 के ऊपर बार है और यहां पे राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म होता है, क्लोज हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, 5a
माइनस, अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए डायरेक्ट ये माइनस थ्री से खत्म होते हुए ब्रैकेट खत्म होगी, माइनस थ्री है, माइनस माइनस प्लस थ्री, और यहां पे होगा 4a माइनस 3a, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। फाइव ए एंड थ्री ए, फाइव माइनस थ्री टू ए प्लस थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर ए माइनस थ्री ए तो ए माइनस वन आ जाएगा, थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री ए माइनस माइनस प्लस थ्री वन जर थ्री। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, टेन ए फोर टू जर एट ए फोर थ्री जर ट्वेल्व माइनस थ्री ए प्लस थ्री, टेन ए माइनस एट, और ये जो एट ए थ्री ए कितना हो जाएगा, एट में से माइनस थ्री फाइव ए, ट्वेल्व एंड थ्री फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन। अब इस लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ब्रैकेट खत्म होगी, टेन ए माइनस फाइव ए माइनस प्लस माइनस फिफ्टीन, और टेन में से फाइव क्या फाइव ए माइनस फिफ्टीन, और अगर हम इसका फाइव हम कॉमन लें तो a माइनस फाइव थ्री आर फिफ्टी, ये आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट था, इसके बाद हम नाइन एंड टेन करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन कर रहे हैं, टेन हमारा सेकंड लास्ट है। 2 into a square minus b square minus 3 square bracket a square curly bracket minus curly bracket b square minus a square plus round bracket a square minus b square minus a square all bracket closed। हमने एक तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है शुरू में, 2 a square minus 2 b square minus 3 a square minus curly bracket b square minus a square, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ b square रह गया, बाहर प्लस है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाए। 2 a square minus 2 b square minus 3 into a square minus और minus minus plus हो गया a square, 2 a square minus 2 b square minus 3 a square ये हो जाएगा 2 a square, 2 a square minus 2 b square 3 to the 6 a square, और माइनस सिक्स में से टू गए तो माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, दोनों में से माइनस टू कॉमन आएगा, ये भी टू पे डिवाइड होता है, ये भी टू पे डिवाइड होता है इसलिए माइनस टू कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, यहां पे भी टू आएगा, टू टू जा फोर माइनस टू इंटू 2a square plus b square। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2ab minus bc minus ca plus ab plus bc minus ca minus ab
और ब्रैकेट क्लोज्ड और बार भी है ऊपर, ए बी माइनस बी सी, सी ए प्लस ए बी प्लस राउंड ब्रैकेट बी सी माइनस सी ए, ऊपर बार है और बार के बाहर माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बार खत्म हो जाएगा। ए बी माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी प्लस, और यहाँ पे ये सारे डिफरेंट है और बाहर साइन भी प्लस के इसलिए हम वैसे लिख देंगे बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, इस तरह से राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि एक तो सी ए ये है, एक ये है, और बाकी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी सी ए बी एंड ए बी टू ए बी प्लस बी सी, अब हम कर्ली ब्रैकेट को खत्म करेंगे, माइनस टू ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए बी प्लस माइनस माइनस, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे। तो ए बी माइनस माइनस प्लस टू ए बी, ए बी एंड टू ए बी थ्री ए बी आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे ये 10 तक खत्म हो गए। अब आखिरी सवाल रहता है क्वेश्चन नंबर 11 और उसको करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 8C का लास्ट क्वेश्चन है। बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवैल्यूएट द फॉलोइंग, कि इनमें पैरेंथेसिस यानी कि स्केप राउंड ब्रैकेट लगाते हुए इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें कि आपको कैसी वीडियोस लगती हैं, और अगर पसंद आती है तो दोस्तों को भी जरूर बताएं। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं। 5/2x प्लस y/2x, यहाँ पे हम सॉल्व लिख देते हैं। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 2x 2x, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2x। तो जब सेम एलसीएम डिनोमिनेटर के सेम होता है तो फिर ऊपर वाले हम वैसे ही लिख देते हैं 5 प्लस y, तो हम ब्रैकेट को यूज करते हुए 5 प्लस y ओवर 2x इसको कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 24 - 8y² + z² अब इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पे और आगे z², क्योंकि इन दोनों में कॉमन इंटीजर है इसलिए इन पे ब्रैकेट लगाइए। तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो दोनों 8 से डिवाइड हो जाते हैं 24 और 8, इसलिए 8 हम कॉमन ले लेंगे। 8 × 3 = 24 और 8 × 1 = 1, इसलिए 1 तो लगाना नहीं है। y² + z², तो हमारा ये आंसर आ गया। अभी हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं xy + zx + ax, इसे हम सॉल्व करेंगे। x इन सभी में से कॉमन आ जाएगा, ये x है, ये x, ये भी x, ये भी x,
ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ है, वाई जेड एंड ए, वो वैसे लिखे जाएंगे y प्लस जेड प्लस ए, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ये है हमारे पास x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से कॉमन निकल सकते हैं। पहले एक दफा हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, अब x स्क्वायर सभी में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी x स्क्वायर है, लेकिन y सिर्फ वन है, एक दफा y है, ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब है, ये y है, तो y कॉमन आएगा सभी में से, एक तो s कॉमन, x कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, तो ये पूरे का पूरा बाहर आ गया x स्क्वायर y, तो जब पूरे का पूरा कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह पे 1 बच जाता है, और इसमें से y स्क्वायर कॉमन आ गया, एक y भी आ गया, बाकी सिर्फ एक y बच जाता है, x स्क्वायर कॉमन आ गया, y क्यूब जो है उसमें से एक y कॉमन आ गया, तो y स्क्वायर बाकी बचेगा, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा, तो दोस्तों को जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।